ये बबलू पांडा जहाँ पर अभी खड़े और जहाँ पर घूम रहे हैं ना, यहाँ पर है ना रात को नीलगाय बैठती है जमीन खोद कर। पता नहीं सुअर की तरह क्यों खोद कर रखा है, सुअर भी जब बैठते हैं ऐसे ही खोद कर बैठते हैं, बट ये नीलगाय ने खोद के रखा है क्योंकि उनके पैरों के निशान सुअर के पैरों के निशान से थोड़ा अलग है। भले दोनों के पंजे सेम हो बट अलग है। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह है, एक ये रही थी और दूसरी ये रही, तीसरी जगह ये रही, चौथी जगह ये रही जो काफी बड़ी है जो खोद के रखा है। दो दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी तो सारी जमीन ठोस जमी हुई है, बट सिर्फ ये एक जगह है जहाँ पर जमीन खोदी हुई है और नीलगाय यहाँ पर रात को आकर बैठते थे। और वो खोद के क्यों बैठते मुझे समझ नहीं आता, और बैठे भी नहीं, अगर बैठे होते ना तो खुदी हुई जमीन है ना, मिट्टी दबी हुई रहती इसमें। और पास में ये क्लब हाउस है और जहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, और राधा सीढ़ियों पर अकेली बैठी है जैसे कि मुझे बोल रही हो कि तू तेरा काम कर ले, काम कर ले तो मुझे बुला लेना फिर चलते घूमने।